नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं नंबर वन से. ड्रॉ द ग्राफ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. ये हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. हमें पहले इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें क्या पूछा है. सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे. 3y 24, 4x राइट हैंड साइड मूव हुआ नेगेटिव. नाउ ये 3y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई. इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. अब हमें वैल्यूज पुट करनी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x की. अगर मैंने x को पुट किया 0, जब x पुट किया 0 तो y क्या आया, 24 माइनस 0, 24 अपॉन 3 8. नेक्स्ट में मैंने x को पुट कर दिया 6, 6 4 जा 24, 24 माइनस 24 0 अपॉन समथिंग इज 0. x इज 6, y इज 0. कोई और पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो. x को मैंने पुट कर दिया 3, 24, 4 3 जा 12 अपॉन 3 4. मैन x इज 3, y इज 4. तो हमने तीन पॉइंट्स फाइंड कर लिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. यहां तक क्लियर? इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड की, 3y, x वाली टर्म इस तरफ गई, साइन चेंज होगा, 3 यहाँ पे आके हो गया डिवाइड. नाउ x की वैल्यू पुट की, 0 पुट की तो y 8, x की 6 पुट की तो y 0, x को 3 पुट किया तो y 4. अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका. x-axis negative, y-axis negative. So this is the point of origin O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. हमारे पास सभी नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमें नेगेटिव एक्सिस की जरूरत यहाँ पे नहीं है. फर्स्ट है x 0, देन y इज 8. x 0, y 8, मींस y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट 0, 8. नेक्स्ट इज x 6, तो y 0, x 6, y 0, इट मींस ये कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे. x 3, तो y 4, x 3, तो y 4. अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन पॉइंट्स में से पास कर रही होगी. x3, y4, ये पॉइंट आ गया. क्या यहां तक ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना आते हैं. कौन सी लाइन का ये ग्राफ है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. यहां तक क्लियर? यहां तक तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं कि जो भी हमें इक्वेशन दी है टू वेरिएबल में उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो 4x प्लस 3y इज 24, y में इक्वेशन फाइंड की, उसके बाद x की वैल्यूज पुट करके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिली. ग्राफ पे हमने उन पॉइंट्स को लोकेट किया और एक लाइन ड्रॉ कर दी जो उन पॉइंट्स में से पास हो रही है. नेक्स्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. जो हमने लाइन ड्रॉ की है इन पॉइंट से, वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को. इसको मैंने सपोज नाम दे दिया ए पॉइंट को. और वाई एक्सिस ये है और ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को. इसको मैंने नाम दे दिया B. सो राइट डाउन द लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y एक्सिस एट पॉइंट B. अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं. एक पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, एक्स इज 6 एंड वाई इज 0. तो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आगे 6 0 और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करी है बी पॉइंट पे. बी पॉइंट क्या है, 8 पे. इट मींस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 8. यहां तक क्लियर?
जो ग्राफ की हमारी लाइन आई है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे 60 पे और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे 0a, उसे हमने नाम दे दिया बी और एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए। नेक्स्ट में हमें पूछा है सेकेंड पार्ट में, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हम देखेंगे पूरा हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है और हमें पता है जो ये एक्स और वाई एक्सिस होती है ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि दो परपेंडिकुलर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्लेन बन रहा है। तो इट मींस ट्रायंगल ए ओ बी, ओ इज द पॉइंट ऑफ रीजन, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद राइट एंगल एट ओ विद राइट एंगल एट ओ। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो इस केस में बेस क्या हुआ, दिस वन ओ ए, हाफ ओ ए, हाइट क्या है दिस वन ओ बी। यहां तक क्लियर। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ क्या है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो है तो 0 to 6, तो ओ ए की वैल्यू हो गई 6, 1/2 × 6 और ओ बी का है 8.8, 2 × 4 = 8, 6 × 4 = 24 स्क्वेयर यूनिट्स इज द एरिया। एरिया फाइंड करोगे तो पीछे स्क्वेयर यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हाफ मार्क्स कटेगा। दोबारा से बता रहे हैं हमने क्या क्या, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमें इक्वेशन दी है उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ तक तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए इस पॉइंट पे, उसे हमने नाम दिया ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 60। वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए दिस पॉइंट पे, जिसे हमने नाम दिया बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 8। उसके बाद हमें कहा है कि जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया फाइंड करो। एरिया ट्रायंगल ये बन रही है हमारे पास, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस होती है तो ओ क्या है राइट एंगल है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज ओ ए, हाइट इज ओ बी, ओ ए कितना है डिस्टेंस 6, ओ बी कितना है 8, 2 × 4 = 8, 6 × 4 = 24 स्क्वायर यूनिट्स।